देश बचाने के लिए मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। मेरा एज हो गया 42, ऐसा घटिया इतना डोमिनेट गिरा हुआ प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा। मेरा नाम पांडे, हाँ मैं मर जाऊंगा बीजेपी को भी वोट नहीं दूंगा इसकी नीति पे इसकी सोच पे। आज जो सेब की खेती संकट में है, आज अदानी के स्टोर सीए स्टोर हर जगह खुल गए, हिमाचल में भी खुल गए, जम्मू कश्मीर में भी खुल गए, उत्तराखंड में भी खुल गए। हमारा समर्थन मूल्य हमको नहीं मिल रहा है। जो हमारी पेटी 1000 रुपए में जाती थी वो 300 में हो गई। आज खेती घाटे का सौदा हो रहा है। अदानी उनकी गोदी में बैठा हुआ। यस बिल्कुल, उनकी गोदी में बैठ के पूरे देश को लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। इवेंट करा के पॉपुलैरिटी नहीं ली जा सकती है। लोगों के घर के अंदर चूल्हे जलने चाहिए तब पॉपुलैरिटी होगी। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, पोस्टर पे लिखा हुआ है दिल्ली चलो। हालांकि पोस्टर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल से आए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो लोग सेब की खेती करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों की क्या परेशानी है? सेब की खेती तो हालांकि बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है इन्हीं लोगों से पूछते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हिमाचल से आए हैं। आज जो यहाँ पे जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो धरना प्रदर्शन पहली मर्तबा ये इतिहास में हुआ है कि जब जो सेब पैदा करने वाले लोग तीन राज्यों के जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग यहाँ पे एक टोकन धरना दे रहे हैं। जो हमारी भारत सरकार है उसके कान तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो सेब की खेती संकट में है, आज जो जिस तरीके से देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसी तरीके से आज एप्पल ग्रोवर जो है ये तीनों राज्य के ये भी बड़े विवश हो गए हैं। क्योंकि आज इस तरीके से जो अदानी की लूट, जैसे कह रहे हैं कि हर जगह अदानी की लूट है, अदानी की लूट जो है सेब के धंधे से भी नहीं छूटी है। लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, आप बार बार बीजेपी की तरफ। देखिए सरकार कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, बात एक ही है, क्योंकि पॉलिसीज वही है, वही जो अदानी को फायदा देने वाली पॉलिसी है। इसलिए आज अदानी के स्टोर सीए स्टोर हर जगह खुल गए, हिमाचल में भी खुल गए, जम्मू कश्मीर में भी खुल गए, उत्तराखंड में भी खुल गए, हर जगह सीए स्टोर खुल गए। जिससे क्या है वो कि रनिंग सीजन में सेब जो सस्ते दामों में खरीदते हैं और जो ऑफ सीजन में जो उसको महंगे दाम पे बेचते हैं। और जो हमारा समर्थन मूल्य हमको नहीं मिल रहा है, जो हम कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है देश के अंदर, हर किसान मांग कर रहा है, जरूरी नहीं है सेब वाला मांग कर रहा है, हर किसान मांग कर रहा है। आप कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से। क्या आपकी क्या दिक्कत है? हमारी यही दिक्कत है कि आजकल का जो ग्रोवर है, आजकल का जो किसान है वो डाउन द अर्थ जा रहा है। बीजेपी करंट जो सरकार हिलाल अहमद नाम है जी, वह जो ये आज की जो हमारी पेटी 1000 रुपए में जाती थी वो 300 में हो गई। आने वाले पीक सीजन में हमारा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किया गया है। ये जो वहाँ का कोल स्टोर प्रो कॉर्पोरेट, बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रही है, धाराएं आज बिजली। किसने बोला आपने कि बीजेपी सरकार वहाँ अच्छा कर रही है? कहाँ कर रही है? एपीजी वाले बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। वहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो गलत बोल रहे हैं, वो जो वो जो वो जुमलाबाजी कर रहे हैं ना, वो जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर मेरा नाम है अशोक सेन। वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नहीं मुस्लिम मुस्लिम हूँ। कौन मोदी जी कहाँ कर रहे हो? जम्मू कश्मीर। नहीं कुछ नहीं कर रहे वहाँ पे। क्या क्या देखा आपने? किसानों के लिए काम कर रहे। क्या किसान के हित में उन्होंने किया? क्या आप ही दिखा दो, टीवी में बैठ के काम नहीं होते हैं। ये आज देश का जो मीडिया है का मसला उठाया है, वहाँ पे गरीब लोगों को जमीन छीन रही है। पहले ये जो वहाँ बड़े बड़े दलाल है उनको जमीन लैंड वैकेशन जमीन छीन रही है वहाँ पे।
आप लोगों के लिए इमारतें बनाई जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के नाम पे जमीन छीन रही है हमारे लोगों की। जो वो जमीन तो हम खुद दे देंगे जो लोगों के लिए है, जिसमें कोई इदारा होगा हमारे लिए, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा या और कोई लोगों के लिए। ये हॉस्पिटल स्कूल के लिए ले रहे हैं लोगों को, इन्वेस्टमेंट के नाम पे जमीन ले रहे हैं लोगों को। और वहाँ की सेब की पेड़ जो 1000 में जाती वो 300 में जाती थी। हम विरोध में है, हम यहाँ दिल्ली में इस सरकार को सुनाने आए हैं कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी और कुछ है और आपका टीवी और आपका मीडिया, आपकी जो जुमलाबाजी वो कुछ और है। लेकिन टीवी पे तो लगातार दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। क्या देखा आपने, आपने क्या देखा वहाँ पे, क्या कर रहा है? मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पे स्कूल बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए। मुझे बता, पहले वहाँ स्कूल नहीं थे? आप मुझे बताओ, वहाँ पहले स्कूल नहीं थे? इससे पहले भी स्कूल थे? आप क्या बोल रहे हैं कि हमने नए स्कूल खोले? उन्होंने वहाँ पे एक ड्राइव चलाई, लैंड एवेक्यूशन ड्राइव। आम जन पे बिजली पूर्ति नहीं होती थी, लेकिन जब से धारा 370 हटाया तो बिजली की पूर्ति हो रही है, सही से बिजनेस हो रहा है। लेकिन बिजली तो हमारी निकलती है वहाँ, जो जनरेशन में तो महंगाई हो गई, उसमें तो इजाफा हो गया है। जो बिजली का फीस है वो ज्यादा हो गया है, 900-1000 से हम बिल पे। क्या बोल रहे आप? एप्पल पे बात करो हमारे साथ। हाँ, एप्पल पे बताइए बात की। आप पूछे सवाल पूछे आप। हाँ बताइए, क्या क्यों आए हैं यहाँ? बस इसीलिए जो आप दिख रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए तो अच्छा कर रही है बीजेपी। हाँ, किसानों, जवानों, इन सब के लिए अच्छा कर रही है बीजेपी। क्या अच्छा कर रही है आप तो बताइए, क्या अच्छा कर रही है? महंगाई बढ़ रही है, हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल का एप्पल जिस तरीके से इनकी नेत है, इस सरकार की नेत है, इस देश का एप्पल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल का एप्पल नाबूस करने का नीति रखती है और यही काम कर रहे हैं ये। आप इसी को कर रहे हैं, जिस तरीके से पिछले साल जम्मू कश्मीर एप्पल और हिमाचल का एप्पल को 500-600 रुपया और वही पेटी आज 2500-3000 में जाती है। क्या ये सरकार की गलत पॉलिसी नहीं है? क्या ये सरकार की गलत पॉलिसी नहीं है? आपको इस चीज को दिखाते नहीं है? पूछिए मुझे, देखिए जो ये सरकार पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स की मदद कर रहे हैं, अडानी और अंबानी का मदद करने वाली सरकार जो है, ये उनके कर्जे माफ हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जाइए घूमिए, टीवी में बैठ के कुछ नहीं दिखेगा। टीवी में बैठ के यही दिखाया जा रहा कि जो मोदी साहब का जो लाखों के सूट है वो नहीं दिखाएंगे। गरीब की झोंपड़ी जाके देख लीजिए, किसान जो सेब पैदा करता है वो लाख रुपए का सूट नहीं पहन पा रहा है। वो अपनी दवाई, अपना स्कूल का बच्चे का खर्चा, अपना रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, वो भी उसको मुहैया नहीं हो रही है, फिर किस बात की खेती करेगा वो? आज खेती घाटे का सौदा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार से कि भाई आप जो है लोगों को न्यूनतम मूल्य दीजिए, जो पेस्टिसाइड है, खाद है, उस पर सब्सिडी दीजिए, लोगों ने जो ऋण लिए उसको माफ कीजिए, और उसके साथ साथ आप लोग लगातार अडानी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अडानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। मजबूत अगर मुझे भी करोड़ों रुपया कर्जा दे दे और मेरा कर्जा माफ कर दे, मैं भी जो है अदानी की तरह बन जाऊंगा। अदानी का अगर आप 20 साल का इतिहास देख लीजिए, प्रधानमंत्री से जाके बात कीजिए, लीजिए करोड़ों का। मैं उनकी गोदी में नहीं बैठ सकता, मेरी समझ नहीं है उतनी कि मैं उनकी गोदी में जाके बैठ जाऊँ। हम जो है अदानी उनकी गोदी में बैठा, यस बिल्कुल, उनकी गोदी में बैठ के पूरे देश को लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। हम दावे के साथ ये कह सकते हैं। आप लोग जो है बार बार लगातार ये दावे कर रहे हैं कि मोदी अडानी लूट रहे हैं देश को, लेकिन वहीं पे भारत जो विदेशी जो लोग हैं, जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल जो हैं, वो लोग कहते हैं कि भारत जो है इस पटल पे नाम अपना रोशन कर रहा है। आप बताइए, दुनिया के जितने भी अमेरिका जिनका ये पिछलगु बनते हैं, जर्मनी की पिछलगु बनते हैं, अभी जर्मनी ने क्या कहा उसमें हम कमेंट नहीं करना चाहते उनके ऊपर। क्या कहा बोलिए, क्या कहा? जो यहाँ की जो लोकतंत्र है वो खतरे में जा रही है, ये तानाशाह की ओर बढ़ रहा है ये देश, ये लोकतंत्र मर्यादा यहाँ पर खतरे में, बिल्कुल खतरे में। क्यों नहीं है? आज अगर मैं आवाज उठाऊं मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, अगले दिन पता नहीं मैं अंदर जेल में चले जाऊं।
ये खतरा नहीं है क्या? आप बोल के दिखाओ अपने मीडिया में मोदी जी के खिलाफ, शाह जी के खिलाफ। आप कल आप नौकरी से चले जाओगे या तो जेल में जाओगे। मोदी जी जो है वो बहुत प्रिय है विश्व में, उनको जो है सबसे पॉपुलर नेता और लोकप्रिय नेता माना जाता है। पॉपुलर मीडिया कर रहा है, वो इवेंट करा के पॉपुलरिटी नहीं ली जा सकती है। लोगों के घर के अंदर चूल्हे जलने चाहिए तब पॉपुलरिटी होगी। उन्होंने राम राज ला दिया है, आप कैसी बात करें? बेटियां सुरक्षित है, बहुएं सुरक्षित है, रोजगार मिल रहा है। आप निकाल के देख लीजिए, आंकड़े निकाल के देख लीजिए। कितना है रोजगार का? रोजगार का आंकड़ा कितना है आप आपके पास? अग्निवीर योजना 80 करोड़ जनता को राशन। अग्निवीर अभी स्टार्ट। आप मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के विनती है मीडिया से, मोदी जी के सामने जो यहाँ दुखड़े गा रहे हैं लोग, ये सुना रहे हैं इन बातों का एक भाग जो है वो बीजेपी के एजेंडा चला रही है। जैसे रूपिका लियाकत हुई, अंजना ओम कश्यप हुई, चित्रा त्रिपाठी हुई, मेल में सुधीर चौधरी हो गए, उसके बाद चोपड़ा का चोपड़ा हो गए, सिन्हा जी हो गए, ये सब बिका हुआ ही वाई डोमिनेट, सब खत्म है, गिरा हुआ है। कि पत्रकार जो मतलब पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो बिक गया है। सब बिक गया है, खत्म हो गया है। सारा नहीं बिका, कुछ लोग अभी जिंदा है, कुछ लोग अभी जिंदा है, सोशल मीडिया भी जिंदा है। रवीश कुमार जैसे लोगों को सजा मिल गई है। रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, संदीप चौधरी, ऐसे दो तीन पत्रकार जो आज भी जिंदा है, जिसकी वजह से मीडिया जिंदा है। पूरा बात बोलना चाहता हूँ। अगर अगर किसानों को 6,000 रुपया दिया खाद के लिए, मगर ये सोचो कि आज से 5 साल पहले एक खाद का कार्ड कितने में आता है, उसको हो गया हैट्रिक, उसको जो उसका कमत हो गया दुगने से बजाय त्रुगना हो गया। दूसरा चीज ये है, जब अपने घर में गाय होता है तो दूध लाने के बाहर से जरूरत क्या होता है? जब बोले आप लोग एक सवाल लीजिए, आप लोग लगातार धरने पे हैं। मैं मेरा एज हो गया 42, ऐसा घटिया इतना डोमिनेट गिरा हुआ प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा। आई कैन नॉट सी हिम इन माई हिस्ट्री, हमने नहीं देखा। आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर? अरे मर कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस सपोर्ट कर रहा हूँ, मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाएगा। 74 में हम बिहार से हैं, मेरा नाम पांडे, हाँ मैं मर जाऊंगा, बीजेपी को भी वोट नहीं दूंगा इसकी नीति पे, इसकी सोच पे कभी नहीं। लेकिन बीजेपी ने तो रामराज बना दिया। रामराज ढकोसला है, कुछ नहीं है वो ढकोसला है। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, जो धर्म में जाति बांट दे हिंदू राज नहीं चाहिए। वो आपके नजरिए से राम राज्य हो सकता है, हमारे नजरिए से नहीं है। ये भी इधर मैडम, मेरा एक बात है, मेरा एक बात है, अगर घर में दूध होता है तो बाहर से लेने का जरूरत क्या होता है? जब हमको अपना सेब होता है ईरान और इराक और दूसरे मुल्कों से सेब लाने का क्या जरूरत होता है? और दूसरा बात ये है, जो किसान हर चीज पैदा करता है, अगर आपको भी रोटी नहीं मिलेगा, चाहे किस चीज का होगा, वो केला होगा, संतरा होगा, गुंदुम होगा, कोई भी चीज होता है, अगर आपको नहीं मिल जाएगा। देखिए तो ये लोग जो है ये जवान है, ठीक है, और आप लोग किसान है और लगातार जो है जवानों और किसानों की बात करते हैं। ये सारे लोग जो है जवान है, ये जवान और किसान की बात पहली बार नहीं हुई देश में। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जो जय जवान जय किसान बोला था, लेकिन क्या उससे जय हो गया किसान, जय हो गया जवान? आज अग्निवीर जय जवान जय किसान था या आप नहीं रहे? नारा अच्छा है, हम भी समर्थन करते हैं। पहले लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में अच्छा था या अभी अच्छा है क्या? हम ये बोल रहे हैं कि आपको अग्निवीर नीति लाने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, देखिए देखिए, मेरा नाम राजीव चौहान है, मैं हिमाचल प्रदेश से शिमला जिले से संबंध रखता हूँ। जहाँ तक किसानों की बात है, सेब उत्पादक की बात है, बिना सरकारी अनुदान से जो खेती लाभकारी हो ही नहीं सकती। मतलब सरकार जो भी कर दे, जब तक सरकार वो चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे सेब पर हो, चाहे दवाई पर हो, चाहे पेटी पर हो, बिना सब्सिडी से किसान कभी भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा मानना है, हम बार बार क्या बोलते हैं, अपने अपने संगठन के माध्यम से बोल रहे हैं कि जब तक सरकार क्या करेंगे 2024 में, क्या करेंगे 2024 अभी, जैसे कि विपक्षी पार्टियां कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तो खतरा, हमारा 2024 एक ही मुद्दा रहेगा, हम सेब बहुल से संबंध रखते हैं,
जो किसानों की बात करेगा हम उसके साथ। जिस तरह भी हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, जिस तरह लोगों ने बोला कि जो क्या बोलते हैं हम ओपीएस को बहाल करने की दिक्कत, उस तरह हमारा जो नेक्स्ट स्टेप 2024 में रहेगा, जो किसान की बात करेगा हम उसके साथ होंगे, जो सेब की बात करेगा हिमाचल प्रदेश में सतारा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ सेब पैदा होता है, सतारा कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों ने मूल बना दिया है कि जो सेब की बात करेगा हम उसके साथ करेंगे। ये क्या करेंगे 2024 में? आप लोगों की मांग नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? आपने तो बोल दिया है कि हम मर जाएंगे वोट नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा नेवर। लेकिन देश बचाने के लिए मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी खतरे में है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बचेगा तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल खत्म है तो राहुल गांधी जो है लोकतंत्र को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। वो जनता के मुद्दा उठा रहे हैं, रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं, ये एक अडानी को बचाने के लिए। लेकिन मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी वालों को ईएसओ दिया है, मतलब इकोनॉमिक वीक सेक्शन में ईडब्ल्यूएस जो है वो दिया है, आरक्षण दिया है। वीक सेक्शन में सबको कहाँ आरक्षण मिला है मैम? 7.9% मिला है उसमें, हम थोड़ा आते हैं। एक मिनट भैया, कहाँ है 7.25% मिला है उसमें? आम मिडिल वर्ग को कुछ मिला है? मिडिल वर्ग सेक्शन को कुछ नहीं मिला है, वो तो अभी पास भी नहीं हुआ है। आरक्षण के खिलाफ है, वो अभी पास नहीं हुआ है। आरक्षण के खिलाफ है? नहीं, हम उसके खिलाफ है। क्यों? इसलिए खिलाफ है कि वो मिडिल वर्ग को, मिडिल सेक्शन को कुछ भी नहीं है, तो हम खिलाफ नहीं होते। मिडिल सेक्शन में कौन? अरे मिडिल सेक्शन में राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए, शूद्र हुए, भूमिहार हुए, बहुत सारे 16 जातियां है। क्या बात कर रही मैम? तो क्या करेंगे आप लोग 2024 में? 2024 में जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, जो जनता के जो धोखेबाज हैं, जो जनता को झूठ बोलने वाले जुमलेबाज हैं, इनको हटाएंगे। मैम लोग डर रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं सरकार के खिलाफ कि कब कहां फंस जाएगा। ऐसे होता है, डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है बिल्कुल स्वच्छ समान, हर कोई अपने विचार को रख सकता है, अपने कही हुई बात कह सकता है किसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आपने बोला आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन दलित जो है बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए। मैम सबसे बड़ा लोकतंत्र बचाने के लिए मीडिया को पहले ढंग से सुचारू करना पड़ेगा। मीडिया बिक चुकी है, मीडिया खत्म हो चुकी है। मीडिया में दो चार को ऐसे महिला सेल में है जो कि पूरे देश को डिग्निटी को खत्म कर दी है, डिग्निटी है ही नहीं। आप बिहार से हैं तो आप सेब की खेती कहाँ करते हैं आप यहाँ? मैं सेब की खेती नहीं करता, मैं सेब के बारे में जानता भी नहीं, मैं गलत नहीं बोलता। मेरे यहाँ किसान तराई माम है बिहार में। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में आते हैं। हमारे बगल में गांव है, आप यकीन नहीं करेंगे। मोदी जी गए थे देखने कि भाई कौन ऐसी माँ है जो ऐसे बच्चे को पैदा करती है। अभी 12 आईआईटी जेई का एग्जाम था ऑल ओवर इंडिया में, 12 निकाल लिए बिहार के लड़के। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो है दिल्ली के जंतर पे लगातार धरने होते हैं, लगातार लोग अपनी मांग के लिए आते हैं। और यहाँ पे अभी सेब में जो जीएसटी लगा हुआ है, इनसे कम दामों में खरीदा जाता है और ज्यादा दामों में बेच दिया जाता है।